सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली जिले से और आज का मौसम दिखाती हूँ। दोस्तों ये देखिए धूप का नज़ारा कुछ इस तरीके का है और मैं यहाँ खेत में ही आ रखी हूँ और हमारा इतना बीज रह गया है। दोस्तों आज का मौसम बहुत ही प्यारा सा है, धूप भी खिली खिली से लगी हुई है और आप देख रहे होंगे सामने से लहलहाते हुए खेत। और ये हमारा इतना बीज बच गया है आज का और इसे मम्मी लोग और एक ताई जी हैं जो वो भी निकाल रही हैं। दोस्तों धूप बहुत तेज़ लग रही है इसलिए मैंने छाता ले रखी है और देख रहे होंगे मेरे छाता के एक जगह पे से थोड़ा सा टूट गया है, इसे शाम तक ठीक करना पड़ेगा क्योंकि बार बार खेतों में ला ला के ना मेरी न्यू छाता भी ख़राब होने लगी है। और कोई नहीं, और मैं बोल रही थी कि इतनी तेज़ धूप में ना ये वाली छाता भी काम नहीं कर रही है, वैसे ब्लैक छाता अच्छी होती है धूप के लिए, मेरे पास ब्लैक नहीं थे इसलिए मैं यही वाली छाता ला के आ गई। और धीरे धीरे रोपाई भी अब ख़त्म होने जा रही है इसलिए बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं बेसब्री से इंतज़ार है कब रुपाइयाँ पूरी होगी। और मैंने तो सोचा है कि रुपाइयाँ जब पूरी हो जाएगी एक दिन आराम से रेस्ट करेंगे क्योंकि सारे टाइम की थकान लगी होती है ना, जो मन करता है एक दिन भर सो जाए और बहुत थकान लगी होती है और एक दो दिन तो और लगेगी ही, उसके बाद रुपाइयाँ भी पूरी हो जाएगी। और मज़ा तो आता ही है लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किलों का भी सामना करना होता है और हाथ पैर दर्द हो जाते हैं और धीरे धीरे अब पूरा होने वाला है इसलिए थकान भी इतनी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब घर जाते ऐसे सो जाए कि कल सुबह तक नींद खुलेगी। और ऐसे होता ही है, जिनके वहाँ रुपाई होती है उनको पता होगा कितनी थकान लगती है, जिन लोगों के वहाँ रुपाई नहीं होती होगी ना वो नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। कोई नहीं, और मैं आपको दिखाती रहती हूँ अपने खेतों को, मैंने आपको दिखाया था हमारे वहाँ रुपाई कैसे होती है। आज भी हमारा एक खेत और भी हल लग रही है वहाँ भी और थोड़ी देर में हम वहाँ रुपाई करने जाएंगे। दोस्तों फाइनली खेत भी रेडी हो चुका है और जहाँ हम हल लगा रहे थे लग गई है वहाँ, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों पूरा खेत तैयार हो गया है और यहाँ बीज फेंक रही हूँ मैं, यहाँ से बीज ला के और यहाँ फेंकना है। और ऐसे होता है दोस्तों अलग अलग जगह से ला के फेंका जाता है क्योंकि एक ही जगह नहीं बोया जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मारने वाला बैल है, इसको देख रहे होंगे आप, ऐसे मारता है कि इसे पकड़ा ही नहीं जाता कभी कभी, और उसके सामने नहीं जाना चाहिए नहीं तो वो बहुत मारता है। ये है, ये नहीं मारता है, ये बहुत अच्छा बैल है हमारा। और वो वाला आगे वाला तो मारने आता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ती हूँ मैं उसको। दोस्तों अब 20 मैंने कुछ फेंक लिए हैं यहाँ और कुछ अब फेंकूँगी जितनी ज़रूरत होती लाते रहेंगे। और इतना बड़ा खेत है दोस्तों, इसको आज रोपना है और इससे बड़ा पहले वाला खेत था लेकिन और भी है एक दो इतने ही बड़े खेत हैं जिसमें हमने अभी बीज निकाला था, वो भी बड़े हैं। दोस्तों ये बीज एक ही जगह फेंक दिए मैंने, थोड़ा फैलाना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऊपर से फेंके हैं ना इसलिए एक ही जगह पर गिर गए हो। और देखेंगे बहुत ही बड़ा खेत लग रहा है और बहुत ही कॉमन सा लग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से हल लगाई हुई है। और आपको जो ऊपर से कुछ झाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं झाड़ियाँ, इनको भी नीचे डालना पड़ता है। तो स्टार्ट हो गया है, अब हम रोपाई के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद लगाते हैं। मैंने इतना ही लगाया, दोस्तों फाइनली रोपाई भी पूरी हो चुकी है। और ये देखिए मैंने भी रोपा और मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो फाइनली रोपाई भी कंप्लीट हो गई है और
दोस्तों फाइनली हमने रुपाई भी कर ली है और बहुत टाइम लगा इसे, लगभग 2 घंटे बीत गए तब से रुपाई कर रहे हैं और चलो फाइनली हो गया। बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने बड़े खेत को रोप लिया है और धूप भी थोड़ा थोड़ा रह रखी है, अब धूप भी जाने वाली होगी। फाइनली रुपाई भी कंप्लीट हो गई है और ऐसी बुरी हालत हो गई है कि इस समय मतलब बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही है, इतनी थकान लग रही है क्योंकि बहुत बड़ा खेत था, मैंने आपको दिखाया। और कोई बात नहीं, थकान भी लगती है लेकिन चलो काम कंप्लीट हो गया तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और मौसम भी बहुत अच्छा था और नहर भी ठीक थी। हमारे वहाँ जैसे कभी नहर टूट जाती है तो उसके बाद बहुत मुश्किल होता है रुपाई करना, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक था, बहुत अच्छा लगा। इस समय व्यू दिखाती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये रहा खेत और पूरा कंप्लीट कर दिया है। और नीचे देखिए दोस्तों, ये सारे रोपाई वाले खेत ही है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये 6 महीने की फसल होती है, 6 महीने की बोले तो 6 महीने जो गेहूं की फसल होती है और 6 महीने धान की फसल होती है। बहुत ही हमारे वहाँ यही फसल बहुत अच्छी लगती है हमको, और यहाँ के जो खेत है वो भी उसी टाइप के हैं। जैसे कई गांव में कई जगह मंडुआ बोया जाता है तो हमारे इधर मंडुआ नहीं हो पाता है, क्योंकि मंडुआ ऐसी जगह होता है जहाँ कि पानी कम हो और हमारे इधर नहर आती है तो पानी अवेलेबल होता है, इसलिए उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और रोपाई में आफत तो बहुत आती है लेकिन अच्छा भी लगता है। और सबकी अपनी अपनी रीति होती है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि जो मंडुआ होता है उसमें दिक्कत होती है, दिक्कत सब में होती है। और सभी फसलें हैं सभी इम्पोर्टेंट होती है और सभी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आपने क्या झंगोरे की खीर खाई है ये ज़रूर बताना, मैंने एक बार खाई थी, बहुत अच्छी होती है झंगोरे की खीर। और जो दूसरी जगह जहाँ मंडुआ बोया जाता है ना, वहाँ के लोग झंगोरे की खीर भी खाते हैं। और जो चावल की खीर तो सभी ने खाई होगी लेकिन झंगोरे की खीर भी होती है, और कभी बना के दिखाऊंगी मैं आपको, अभी तो मुझे भी नहीं आता, मम्मी से सीख के बनाऊंगी मैं। दोस्तों इस समय धीमी धीमी हवा भी चल रही है और बहुत ही प्यारी हवा चल रही है इस समय, और ऐसी हवा चलती रहे तो गर्मी का मतलब जो गर्मी होती है ना उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होती है ना काम के टाइम तो धीरे धीरे तबीयत ख़राब भी होने लगती है। और ऐसे ही मुझे भी लग रहा है, थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब सी लग रही है लेकिन थोड़ी देर बाद घर जाके ठीक कर लूँगी एकदम ठीक ठाक। और थोड़ा भी जैसे तबीयत ख़राब होती है ना तो मैं तुरंत कुछ ना कुछ हल निकाल लेती हूँ और ठीक ठाक हो जाती हूँ। और एक बात बताती हूँ आपको, अगर हम जो काम होता है ना हमारे वहाँ रोपाई का काम होता है और जो भी काम है, लेकिन अगर उस टाइम हमारे वहाँ कोई किसी की भी तबीयत ख़राब हो ना उस टाइम ये कहना नहीं पड़ता है, ये हमारे वहाँ का मतलब एक प्रकार का काम के प्रति जागरूकता है कि उस टाइम ये नहीं कहा जाता है कि तबीयत ख़राब हो रही है ये वो, क्योंकि उस टाइम काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम काम करते रहते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि काम पे लगे रहो ना तो उसके बाद ठीक भी हो जाते हैं, और अगर हम पड़े रहेंगे ना घर में तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। और अपनी दवाई खुद करनी चाहिए और ज़्यादा दूसरे पे मतलब असर ना पड़े, हमारी जो तबीयत ख़राब हो रही है उसकी केयर तो हमें खुद ही करनी होती है, हर कोई नहीं समझ सकता है हर किसी की प्रॉब्लम। तो यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल खुद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता है। दोस्तों इस समय शाम का टाइम होने लगा है और धीरे धीरे जो बर्ड्स होती है वो भी चहचहाने लगी है, क्योंकि दिन के टाइम पे ना वो नहीं आ पाती है, उनको बहुत ज़्यादा धूप लगती है इसलिए शायद अपने घोंसले में रहते होंगे, लेकिन इस टाइम ना उन्हें ठंडा सा सुकून सा महसूस होता होगा, इस टाइम वो घूमने लगते हैं। एक तो सुबह के टाइम घूमते हैं, एक दिन के टाइम नहीं घूमते, शाम के टाइम घूमते हैं, 2 बार घूमते हैं। दिन में बहुत कम देखा है मैंने कि घूमती है बर्ड्स, बहुत अच्छी लगती है चहचहाती हुई। गांव में ज़्यादातर बहुत सारी रहती है, सिटीज़ में इसलिए नहीं होती है क्योंकि सिटीज़ में ना शोर शराबा कभी कभी ज़्यादा होता है, इससे वो डर के चली जाती है, लेकिन गांव में थोड़ा शांति माहौल रहता है तो इसलिए गाँव में ऐसे आपको रोज़ दिखने को मिलेगा, आपको रोज़ सुनने को मिलेगी। अगर आप गांव में जब रहते हो, कोई भी जो भी रहता है गांव में, आपको बर्ड्स की आवाज़ तो ज़रूर सुनाई देगी, और बहुत ही मीठी मीठी हवाएं, बहुत प्यारी सी हवाएं, इसका आनंद ही कुछ और है।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है भीमल का पेड़ दोस्तों, और भीमल खाए भी जाते हैं। आपको बताती हूँ मैं एक भीमल निकाल के, ये रहा दोस्तों भीमल, ये बता रही थी मैं आपको भीमल ऐसा होता है। एक ही दाना निकाला है मैंने अभी और बहुत ही अच्छा होता है। इसकी मीठे मीठे फल होते हैं, फल जो भी कहें इसको, दाने कहें फल कहें जो भी कहें, बहुत अच्छे होते हैं। एक और निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों ये रहे भीमल, और भीमल पक के काले होते हैं। आपको मैंने दिखाया था, या अगर नहीं दिखाया तो फिर से दिखाऊंगी मैं आपको। और इसको भी खाया जाता है, बहुत ही इंजॉयफुल होता है। यहाँ पे मैं बीज निकाल ही रही थी कि मुझे अपने स्कूल की याद आ गई, और ये आप देख रहे होंगे मिट्टी, ये जो है चोपड़ा मिट्टी है, और बहुत जल्दी ही हम जो भी स्टेप बनाना चाहे बना सकते हैं। और पहले पता है हमारे स्कूल में मिट्टी कार्य होता था, मिट्टी कार्य बोले तो जब हमारा टेस्ट होता था उसके बाद एक होमवर्क ये भी होता था कि हमें मिट्टी के बर्तन बनाने होते थे, अपनी कलाकारी को दिखाना, वो कला के टेस्ट में होता था, आर्ट के टेस्ट में होता था। और हमको मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते थे हम, और मैम को दिखाते थे, उस हिसाब से हमें नंबर मिलते थे कि हमने कैसे बनाया है। और मुझे यहाँ देख के इस समय याद आ गई थी। और आपके स्कूल में भी क्या ऐसे हुआ था कमेंट में ज़रूर बताना, होता है क्या, या हमारे स्कूल में ऐसे होता होगा, मैं ये पूछना चाहती थी। और हमें बहुत ही मज़ा आता था ये बनाने में। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।